एम कॉम प्रीवियस ABST के बच्चों, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पेपर में हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स देख रहे थे, जिसका पार्ट वन हमने देखा था, जिसके अंतर्गत आपको मैंने टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स और इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार से जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को मेंटेन किया जाता है। जैसे इनटेंजिबल एसेट्स है पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं वो मेटल है, लैंड है, रियल एस्टेट है, है ना, तो ये कमोडिटीज़ हैं आपकी, तो ये सब आपकी जो है टेंजिबल एसेट्स में आती हैं। तो इनको हमने अच्छे से समझा था। इसके बाद में जो है रियल एस्टेट जो थी, रियल एस्टेट किस तरह से थी ये भी समझा हमने, और फाइनेंशियल एसेट क्या होती है पर्टिकुलर, ये हमने देखा था कि ये लिक्विड एसेट्स होती हैं जो कि जिनका के क्लेम जो है डिराइव कर सकते हैं और ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, और ये जो है टेंजिबल और रियल एसेट्स एसेट के रूप में थी, जिसमें स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, कैश है, सीधी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, बैंक डिपॉजिट्स है, इनको हमने शामिल किया था। तो इसका पार्ट बी आज हम देख रहे हैं, यानी कि आपका हो गया पार्ट फर्स्ट का पार्ट ए देख लिया हमने, और पार्ट बी अब इसी को लेक्चर का एक कुछ पार्ट जो रह गया था जो कि मैं आज क्लियर कर रही हूँ आपको, कॉमन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो बच्चों कॉमन टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है कि जिसके अंतर्गत हम जाएँ कैश है या इक्विटी है या अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी, जब इसके अंतर्गत IFRS के स्टैंडर्ड इस पर अप्लाई होते हैं, और उनके अंतर्गत कैश है, इक्विटी है, यानी कि इक्विटी शेयर्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं, है ना, और इसी तरह से जो है जो कि सेटलमेंट के लिए जो है एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इन एडिशन टू स्टॉक्स एंड रिसीवेबल्स द अबव डेफिनेशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल, इसमें फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, मनी मार्केट भी आता है, तो इनको सबको इसमें जो है शामिल किया जाता है। तो ये कोई एक मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती इनकी, कभी कभी इनको जो है कन्वर्ट किया जाता है कैश में, और कभी इनको स्टॉक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से कैश के अलावा ये आपकी जो है अलग अलग तरह की फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं जो कि इन्वेस्टर के पास में होती हैं। चलिए इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स होते हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसको कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, और इन्वेस्टर बाय करता है स्टॉक को और जो है किसी पार्ट ओनर से, और जो है उसको जो है शेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से जो है इसको उसमें शो किया जाता है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। बॉन्ड्स आर वन वे दैट कंपनीज और गवर्नमेंट फाइनेंस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जो है पूरी की जाते हैं, जिससे बॉन्ड से, बॉन्ड जो होता है एक तरह से क्या कहना चाहिए कि मनी आपका कौन सा उसमें लगा हुआ है, और उसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है, आपको मैच्योरिटी डेट पे बॉन्ड पे उसका पैसा मिलता है, मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए कि ऋण सर्टिफिकेट की तरह से भी है, और डिपॉजिट दोनों के बेनिफिट्स बॉन्ड्स में होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स CD दैट इज कॉल्ड FDs, है ना, आपके इन्वेस्टर जो है अपना पैसा बैंक को देता है कि एक निश्चित पीरियड के लिए रखा जाएगा, और जिस पर कि गारंटेड इंटरेस्ट रेट होती है, अदर वर्ड्स में इसको जो है FD कहते हैं, जो कि ज़्यादातर जो है 3 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक की जो है डिपेंडिंग हो सकता है कि आपने बैंक के पास किस प्रकार का उसका कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं हाईली लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। हाईली लिक्विड का मतलब है जिसको आपने जो है जल्दी, लिक्विड एसेट्स का मतलब ये था लिक्विडिटी होता है, जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश के इक्विवेलेंट होती है, या फिर कैश के इक्विवेलेंट उसको जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सेविंग अकाउंट्स हैं, मनी मार्केट अकाउंट्स हैं, इसके अंतर्गत आते हैं आपके। तो लिक्विडिटी इसकी देखी जाती है, और लिक्विडिटी मार्केट में देखी जाती है कि नंबर ऑफ शेयर। लिक्विडिटी क्या होता है कि आपके बायर और सेलर मार्केट में कितने हैं, अगर आपके पास में अबंडेंट मार्केट में जो है बायर और सेलर अवेलेबल है, दैट मीन्स आपकी जो है सिक्योरिटी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। लिक्विड मार्केट वो होता है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ बायर्स हैं, ठीक है, तो ये होता है। इन द केस ऑफ इक्विटीज लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड्स, इन्वेस्टर हैज टू सेल एंड वेट फॉर द सेटलमेंट डेट टू रिसीव देयर मनी, है ना, उसको अपना पैसा जो है मनी जो है उसको कब मिलता है, जब सेटलमेंट डेट होती है उस पर उसको पैसा मिलता है। यूजुअली 2 बिजनेस डेज होते हैं जो कि 31 मार्च या 30 सितंबर जो भी रखी जा सकती है, तो ये उनके लेंथ ऑफ सेटलमेंट पर जो है फाइनेंशियल एसेट्स जो है कहलाती हैं, डिपेंड करती है। मेंटेनिंग फाइनेंस लिक्विडिटी, लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स जो है उससे क्या होता है कि ग्रेट प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल होता है, अगर आप इसे मेंटेन करके रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, लेकिन इस पर ROI बहुत कम होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, तो इसलिए जब अगर आपको प्रॉफिट लेना है उससे तो आपको इक्विटी की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो ये मिनिमल ROI जो होती है किस पर होती है, जिसमें कि लिक्विड फंड्स हैं, देन में प्रोवाइड मॉडेस्ट इंटरेस्ट इनकम, आपको इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है, और आपकी जो है एप्रिसिएशन भी हो रहा है मनी का, ना, जिसके तरह CD आती है आपके मनी मार्केट के अकाउंट्स में, इसके तरह शामिल किया जाता है, पैसा आप निकाल सकते हैं लिमिटेड पीरियड के बाद में, और उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है, और जब इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं अपने CD से पैसा निकाल करके जो है उसको हम जो है लोअर इनकम इन्वेस्टमेंट से मूव कर लेते हैं, और जो है दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में उस पैसे को जो है लगाया जा सकता है। तो
इस प्रकार से ये हमने अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल एसेट्स देखी, उनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा उसको हमने देखा। तो ये दो पार्ट में हमने फाइनेंशियल एसेट को समझा है बच्चों। इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये पेपर है जिसकी आपने बुक खरीदी होगी, जहाँ तक है मैंने आपको पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। छोटी सी बुक है, ये ले सकते हैं आप, एक दो राइटर्स की और आपको मिल जाएगी। राइटर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस आपके लिए मेन है। आप MDS यूनिवर्सिटी की साइट से सिलेबस निकालिए, और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी वापस इसका सिलेबस आपको दे दूँगी इस सब्जेक्ट का, तो उसको जब व्हाट्सएप के आपके ग्रुप पर डाल दूँगी, जिसे आप देख करके जो है अपना उसी के टॉपिक्स को आपको स्टडी करनी जो कि उसमें लिखे हुए हैं। तो ये आपका जो तरीका इसका पढ़ने का रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो अभी इसमें स्टार्ट होंगे। इसके बाद अभी हम बेसिक समझ रहे हैं इसकी कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कैसे पैसा लगाया जाता है, कैसे कंपनी रखी जाती है, पैसा रखती है। तो ये हमने इसमें अच्छे से इसको समझा। धन्यवाद।